दफ्तर में लगी थी। लॉकडाउन से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, किसी के घर दवाई नहीं पहुंच पा रही है तो कोई अपने घर नहीं जा पा रहा है। लॉकडाउन की वजह से किसी के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है तो कोई अपने पति के लिए तरस रहा है। ऐसे लोगों के लिए पुलिस देवदूत बनी और मदद का हाथ आगे बढ़ाया। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बरेली तक सही सलामत पहुँचवा दीजिए, मुझे उनकी ज़रूरत है। मैं मेरे 9 मंथ्स कंप्लीट हो चुके हैं, ये देखिए मेरी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। मुझे कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, यहाँ मेरे साथ जाने वाला कोई भी नहीं है क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही रहते थे। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। बरेली की तमन्ना अली खान लेबर पेन से कराह रही थी लेकिन उनकी मदद के लिए कोई नहीं था। उनके पति नोएडा में फंसे हुए थे, उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए गुहार लगाए तो संकट की घड़ी में पुलिस तमन्ना के लिए देवदूत बन गई। पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की, नोएडा में फंसे उनके पति को बरेली पहुंचाया। पति के बरेली पहुंचने के बाद तमन्ना ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। एसएसपी बरेली, बरेली पुलिस, कमिश्नर सर जो नोएडा के हैं और एडिशनल डीसीपी रणविजय सर, वेरी स्पेशल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों के प्रयास की वजह से मेरे हस्बैंड बरेली आ पाए, वो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर पाए। यूपी पुलिस की मदद से खुश तमन्ना ने अपने बच्चे का नाम भी एडिशनल डीसीपी रणविजय के नाम पर रणविजय रखा है। नोएडा में रहने वाली ये बुजुर्ग महिला घर पर अकेली थी, उनकी दवाइयां खत्म हो चुकी हैं। बाहर रहने वाले उनके बेटे ने नोएडा पुलिस को ट्वीट किया, जिसके बाद दो पुलिस वाले बुजुर्ग के घर पहुंचे और दवाइयां पहुंचाएं। ये सारी दवा है आपकी माता जी, ठीक है, जो सभी है ना दवा आपकी। नोएडा पुलिस इस लड़की के लिए भी देवदूत बन गई। नोएडा में एक पीजी में रहने वाली इस छात्रा के साथ ही अपने घर चले गए थे और ये पीजी में अकेली रह गई थी। इसने जब पुलिस से मदद मांगी तो थाना बीटा 2 की पुलिस लड़की को इसके घर गाजियाबाद के मोदी नगर तक छोड़ आई। मेरा नाम सिमरनजीत कौर है और मैं नोएडा से अभी इस टाइम आई हूँ पुलिस की हेल्प से, और मैं बीटा फर्स्ट में फंसी हुई थी अपने फ्लैट पे, तो थैंक यू इन लोगों ने मुझे वहाँ से इस टाइम निकाला और अपने घर पहुँचाया। ये मेरी मम्मा है। खाकी के देवदूत बनने के उदाहरण दिल्ली से भी आए। दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट में जरूरतमंदों को खाना मुहैया करवाया। नजफगढ़ में दिल्ली पुलिस ने सोशल डिस्टेंस बनाकर खाना बांटा। यहाँ पुलिस ने 2-2 मीटर की दूरी पर गोल घेरे बनाए थे